नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हलचल इंडिया में फिलहाल वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी खबर का। शामली के कैराना में एक व्यापारी से तांत्रिक ने अपने भाई के साथ मिलकर 24 लाख रुपए की ठगी की है, जिसको लेकर व्यापारी ने क्षेत्र अधिकारी को शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। वहीं मांग पूरी न होने पर व्यापारी ने आत्महत्या करने की चेतावनी दी। दरअसल आपको बता दें कि मामला जनपद शामली के कैराना थाना क्षेत्र के मोहल्ला सर्वज्ञान का है, जहां पर संजीव जैन नामक व्यापारी वेजिटेबल फैट का कारोबार करता है। संजीव जैन ने कैराना सीईओ कार्यालय पर पहुंचकर सीईओ जितेंद्र कुमार को एक शिकायत पत्र देते हुए बताया कि वह व्यापारी है जो कि एक वेजिटेबल फैट का कारोबार करता है। बीते वर्ष 2016 में उसने अपने माल को ढोने के लिए सेठपाल पुत्र मांगेराम निवासी गांव मेमला को ड्राइविंग के लिए अपनी पिकअप गाड़ी पर किराए पर चलाने के लिए रखा हुआ था, जिससे वह उसके पास नौकरी के रूप में कार्य करता था। वहीं व्यापारी ने अपने नौकर सेठपाल पर आरोप लगाते हुए बताया कि उसका भाई रणपाल तंत्र क्रिया करता है और वह अपनी तंत्र क्रिया के जरिए काम कारोबार को बढ़ा देता है, जिसके चलते व्यापारी संजीव जैन अपने नौकर सेठपाल की बातों में आकर उसके भाई रणपाल तांत्रिक के पास जाकर अपना काम कारोबार बढ़ाने के लिए चला गया। उसने बताया कि उसकी तंत्र विद्या से उसका कुछ तो कारोबार बढ़ना शुरू हो गया था, जिससे उसको तंत्र विद्या पर विश्वास हो गया। उसके बाद उसके नौकर सेठपाल ने अपने तांत्रिक भाई रणपाल के साथ मिलकर व्यापारी संजीव जैन से कभी 2 लाख तो कभी 1 लाख करके 24 लाख रुपए की ठगी कर ली, जिसको लेकर व्यापारी परेशान चल रहा है। व्यापारी की हालत इतनी खराब हो गई कि वह अब कैराना क्षेत्र अधिकारी को शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग करने पहुंचा। वहीं व्यापारी ने कार्यवाही न होने पर आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। हमारे पैसे है सेठपाल नाम का लड़का है, तंत्र मंत्र से हमारे पैसे ठग लिए हमारे से 24 लाख रुपए। उसका भाई तंत्र मंत्र का काम करे, कह रहे जो पैसे मांगाओगे तो मारने धमकी दे रहा। मेरा लाश का पतन देने के कहाँ गई, शी साहब कह रहे कि जांच कराएंगे। हम चाहते हैं जी हमारा न्याय हो, बस हमारे साथ नहीं मांग हुई तो हम हत्या करेंगे, हम जाम लगाएंगे सड़क पर।